Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will learn about various parts of a plant. Let's start. Parts of a plant. Plant divided into two main parts. सबसे पहले हम plant को दो हिस्सों में, दो main हिस्सों में divide कर देते हैं. Shoot system and root system. Shoot system जो है वो ज़मीन से ऊपर वाला, above ground, जिसमें स्टेम और लीव्स, फ्लावर्स और अदर प्लांट्स के जो हिस्से हैं वो मौजूद होते हैं, जबकि रूट सिस्टम जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है यूजुअली, जिसमें सिर्फ रूट्स मौजूद होती हैं. और बाज़ प्लांट्स में रूट सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड नहीं होता, वो ज़मीन से ऊपर भी होता है. अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो है रूट सिस्टम वो अंडरग्राउंड होता है, जबकि शूट सिस्टम जो होता है वो अबव द ग्राउंड होता है. The main parts of a plant are roots, stem, leaves, flower, fruits. Leaf पत्ते, fruits फल हैं, flower फूल हैं, stem तना जिस पे पूरा पौधा खड़ा होता है, और roots आपको पता है जड़ें. One by one हम सारे plants के सारे parts को discuss करते हैं, उनके functions को. Number one है roots. Roots usually grows under the ground while shoot usually grows above the ground. You know, मैंने अभी है बताया आपको, roots जो हैं वो anchor plant हैं. पौधे को खड़े करने में सबसे ज़्यादा हैं जो हैं वो roots हैं. Absorb water and minerals. Translocate water and minerals to stem. Store food. इनका काम जो है वो पानी और दूसरे नमकियात को ज़मीन से जब्स करना और फिर उनको stem तक पहुँचाना है. और रूट्स क्या करते हैं, रूट्स स्टोर करते हैं फूड को. रूट्स जो हैं वो जड़ें हैं, जड़ें ज़मीन के अंदर जितनी जाती हैं फिर जब्स करती हैं नमकियात को, और वो प्लांट को पहुंचाने में उनके साथ जो हेल्प करता है वो स्टेम करता है. चलें, नंबर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट है स्टेम. स्टेम का क्या काम है, सपोर्ट फॉर एंड द एलिवेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द स्टेम कीप द लीव्स इन द लाइट. स्टेम जो है वो फूलों, पत्तों और फ्रूट्स को सपोर्ट करता है. स्टेम पत्तों को लाइट की, सूरज की रोशनी देने में मदद करता है. प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द प्लांट टू कीप इट्स फ्लावर एंड फ्रूट्स. फ्लावर एंड फ्रूट्स जो हैं वो स्टेम में ही मौजूद होते हैं, स्टेम में ही उगते हैं. इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये जो पत्तों में जो ग़िज़ा बनाई जाती है प्लांट की, उसको पार्ट्स दूसरे प्लांट्स के हिस्सों में पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, स्टेम ही करता है. लेकिन हम छोटे प्लांट्स में अगर स्टेम को स्टेम कहेंगे, लेकिन अगर दरख्त की बात की जाए, एक तनावर दरख्त, उसमें स्टेम नहीं कहा जाएगा. इसको क्या कहेंगे, द एरियल सिस्टम ऑफ एन एडल्ट ट्री इज कॉल्ड अ ट्रंक. यहाँ पे जैसे आपको दरख्त नज़र आ रहा है जो कि बड़ा मज़बूत और एक तनावर दरख्त है, इसको स्टेम, यहाँ पे स्टेम नहीं यूज़ वर्ड किया हमने, ट्रंक यूज़ किया है. नेक्स्ट नंबर थ्री, लीफ यानी पत्ते. द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ इज टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल द सब्सटेंस दैट गिव्स प्लांट देयर करैक्टरिस्टिक ग्रीन कलर, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी. यहाँ पे आपको देखें, एक तो आपने एक वर्ड नया यहाँ पे सुना है, फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले आप लीफ का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन वो क्या है लीफ का, वो है फूड प्रोड्यूस करना, यानी कि फूड फैक्ट्री, प्लांट की फूड फैक्ट्री या फिर प्लांट का किचन है लीफ, जहाँ पे पूरे प्लांट के लिए खाना बनाया जाता है. और वो खाना किस तरह बनता है, वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनता है. फोटोसिंथेसिस एक अलग टॉपिक है जो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊँगी. फोटोसिंथेसिस में सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन और नमकियात के ज़रिए खाना बनाया जाता है, जिसमें सबसे अहम चीज़ है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, जो कि प्लांट को ग्रीन करता है, प्लांट पौधों को, पत्तों को ग्रीन करने में हेल्प करता है और एब्जॉर्ब करता है ये सूरज की रोशनी को. ये फोटोसिंथेसिस एक अलग, एक बड़ा टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम किसी वीडियो में बनाएंगे. नेक्स्ट है फ्लावर. फ्लावर नंबर फोर, फंक्शन ऑफ अ फ्लावर. द फंक्शन, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है फ्लावर. द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज़ टू मेक सीड्स.
बीज कहाँ बनाए जाते हैं? बीज फूलों में होते हैं। फ्लावर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है सबसे अहम, इसका जो पार्ट है वो कौन से सिस्टम का? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी एक पौधे से दूसरा पौधा जब बनने जा रहा है तो उसमें फ्लावर ही है जो अहम किरदार अदा करता है। द पेटल्स ऑन द फ्लावर अट्रैक्ट बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स। यहाँ पे आपने एक एक नया वर्ड सुना, पॉलिनेटर्स। ये भी एक अलग टॉपिक है, पॉलिनेशन से निकला है पॉलिनेटर्स। इसको भी हम डिटेल से इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे। पेटल्स कहते हैं फूलों के कलरफुल पत्तों को, जो पिंक कलर, रेड कलर, पर्पल, येलो जो कलर्स होते हैं उनको पेटल्स कहा जाता है। पेटल्स ऑन द फ्लावर, जो फूलों के पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं शहद की मक्खियों को अपनी तरफ और दूसरे पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स शॉर्ट में आपको बता दूँ, वो चीज़ें जिससे पॉलिनेशन अमल में आया। पॉलिनेशन क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फ्लावर, जो अहम जो मकसद है फ्लावर का वो रिप्रोडक्शन है। सिंस द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, इसीलिए फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है प्लांट का। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन जानदार चीज़ों में, जानदारों में एक अमल होता है जिससे एक जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करता है। नंबर 5, फ्रूट्स। फ्रूट्स मज़ेदार हिस्सा, इट प्रोटेक्ट्स द सीड अगेंस्ट इंजरी एंड अदर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस। जो हालात जब बुरे हो जाते हैं तो फ्रूट ही है जो सीड्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हालात बुरे यानी कभी मौसम ख़राब हो गया, कभी धूप ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, सर्दी ज़्यादा हो गई, वो इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ये सीड्स को फैलाने में मदद करते हैं फ्रूट्स। इट स्टोर्स फूड मटेरियल्स एज इन द केस ऑफ टोमेटो, एप्पल एंड मैंगो। इनके अंदर फूड मटेरियल्स भी स्टोर हुआ होता है। जैसे कि आप टमाटो उसको काटें तो उसके अंदर आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त किस्म की फ्लैशी चीज़ मौजूद होती है। एप्पल में भी बीज होते हैं, टमाटोज में भी होते हैं, मैंगो में भी होता है और बहुत सारे फ्रूट हैं ऐसे। फ्रूट्स आर द एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का वैसे तो पत्ते भी खाए जाते हैं लेकिन फ्रूट्स भी खाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स के फूल भी खाए जाते हैं। ये हमारे 5 अहम पार्ट थे जो कि हमें डिस्कस करना थे। उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको उसमें बात समझ आ गई होगी और नेक्स्ट इसको डिटेल में बताने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जिसमें पॉलिनेशन और फोटोसिंथेसिस और इसके अलावा भी अगर पार्ट्स ऑफ प्लांट के लिए आपको कुछ और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद किट्स के लर्निंग के लिए वीडियो अगर आप चाहते हैं आपको मिले तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।